press the subscribe button for more updates. Don't forget to click on bell icon. Thank you. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं खालिद और आज की इस वीडियोस में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाला हूं सिविल की ड्राइंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हमें यूनिट सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यूनिट के लिए हम जाते हैं एप्लीकेशन मेनू में और देन यहाँ पे ड्राइंग एंड यूटिलिटीज दिख रही है, यहाँ पे यूनिट है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट कमांड यू एन एंटर। आप देख रहे हैं यहाँ पे लेंथ टाइप दिख रहा है, इसके अंदर जाएंगे हम और इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूनिट अपने ड्राइंग को इंचेस में बनाना चाहते हैं तो, या फिर आप ऊपर की, तो अगर आप आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। देन मैं इंजीनियरिंग ले रहा हूँ, प्रिसिशन में मैं 0 फीट 0 इंचेस रखता हूँ और ये इंटरसेक्शन स्केल जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप देख लेंगे क्या है और वहाँ पे आप सेट कर लेंगे इंचेस, ओके देन ओके। तो ये आपने यूनिट सेट किया है। अभी आपको इसके अंदर एक स्टेप और आगे बढ़कर क्या करना होता है, डायमेंशन स्टाइल को सेट करना होता है। तो डायमेंशन स्टाइल कहाँ पे मिलेगा, आपको एनोटेशन में जाएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं आप डायमेंशन स्टाइल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, क्या मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, शॉर्टकट कमांड होता है डी इंटर, इसे मॉडिफाई कर लेंगे हम। मॉडिफाई में सबसे पहले मैं देखता हूँ लाइन कमांड। लाइन कमांड में आप अगर किसी भी लाइंस को अगर कलरिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, यहाँ से लाइन को आप कलर में ड्रा कर सकते हैं। लाइन का टाइप है यहाँ पे लाइन के टाइप को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस लाइन, डॉटेड लाइन, बहुत सारी लाइन्स होती है जो कि आप छज्जे बनाने में यूज करते हैं 2D के अंदर। तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको ही रहने देता हूँ। लाइन की विड्थ है ये, यहाँ की लाइन की विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे वॉल वगैरह जब क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हम इसे यूज भी करेंगे, ओके। बाकी जो भी है सारा कुछ वैसा ही रहने देंगे आप। सिंबल्स एंड एरो में अंदर चलते हैं हम। ये आप देख रहे हैं क्लोज फील्ड दिख रहा है आपको। अगर आप सिविल से काम कर रहे हैं तो आप आर्किटेक्चर का भी यूज कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, क्लोज फील्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई ज्यादा इसका मायने नहीं है। बट हाँ, अगर बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आप तो आर्किटेक्चर लिखेंगे तो अच्छा होगा। मैं आर्किटेक्चर रख लेता हूँ। सेकेंड ऑप्शन भी वही है, ये एक लीडर्स है जो कि आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ये जो चीज़ लीडर्स है ना, उसके लिए ये दिया गया है, ठीक है। बाकी जो भी सब कुछ है वैसा ही छोड़ दीजिए आप। अभी नेक्स्ट स्टॉपेज आगे चलते हैं टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट के अंदर जाने से पहले यहाँ पे एरो की साइज है, जो ये आप एरो देख रहे हैं ना, इसकी साइज है, आप इसे ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन मैं आगे की चल रहा हूँ नेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट के अंदर अगर आप टेक्स्ट को चाहते हैं आप अपना खुद का एक अलग सा दिखाने के लिए, जो दिखा बाय डिफॉल्ट है उससे अलग अगर रखना है तो यहाँ पे एनोटिव करके आप चेंज कर सकते हैं, जिसे हम अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में बताएंगे हम। अभी टेक्स्ट का कलर है, यहाँ से आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रेड देख रहा हूँ, देखिए आप टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, तो माइट बाय डिफॉल्ट बाय ब्लॉक्स ही रखते हैं हम। और इसके पीछे का कलर अगर हमें फिल करना है तो यहाँ पे देखिए फिल करने के लिए भी पीछे का कलर है, ठीक है। तो ये आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, मैं अभी बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसा ही छोड़ देता हूँ, डन ओके। और एक चीज ध्यान देना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो दिख रहा है यहाँ पे अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर देंगे आप तो बेहतर होगा, इससे आपको प्रॉपर दिखेगा अच्छे से। अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट फिट के अंदर। फिट में भी कुछ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ये भी स्केल दिया गया है, ये भी टेक्स्ट का स्केल होता है। अगर आपकी लाइन ड्राइंग बड़ी है और उसके हिसाब से आप टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं आप। प्राइमरी ग्रेड के अंदर चलते हैं हम। मैंने वहाँ पे इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया था, तो जो आप यूनिट सेट करने के वक्त रखते हैं उसी चीज को यहाँ पे भी रखना है आपको, तो क्या होगा आप प्रॉपर तरीके से ड्राइंग बना पाएंगे।
प्रिसिशन में मैंने रखा था 0 फिट 0 इंचेस, ताकि आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, कितने चेंजेस करने ही है आपको, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे और सेट करेंट करना ना भूलें, सेट करेंट देन क्लोज, ओके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन ड्रॉ करके देख लेता हूँ। लाइन मैंने 1 फिट सिंबल देख रहे हैं, सिंबल वो फिट का सिंबल है, देन एंटर, ठीक है। लाइनर कमांड से जाकर मैं देख लेता हूँ इसे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट देखिए, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, तो उम्मीद है दोस्तों मेरा आज का फर्स्ट लेक्चर जो सिविल टॉपिक पे था आपको समझ आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो फिर से बहुत जल्द 1-2 दिन में आने वाले हैं, जिसके आगे हम लोग डायरेक्ट प्लांट पे चलेंगे और प्लांट को कैसे बनाते हैं वो चीज देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और हाँ, लास्ट में एक बार जरूर कहना चाहूंगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।